अपना क्या बना रहे? आलू दम। तो अभी हम आलू दम बनाने वाले हैं अपना किचन में। तो आलू दम बनाने के लिए हम मीडियम साइज का आलू ले लिए हैं। इसको हम अच्छे से धो के उबाल लिए हैं। उबालने का हम इसलिए नहीं दिखाए कि उबाल हर कोई सकता है, कोई चीज़ भी उबाल सकता है हर आदमी, बस मेरा बेटा के छोड़ के। तो नहीं, हम भी उबाल सकते हैं, कुकर में रख के हीटर में चढ़ा के हो गया। हाँ, तो हम आलू के उबाल लिए हैं और आलू दम बनाने के लिए हम दो बड़े साइज का प्याज ले लिए हैं, इसको कट करेंगे और टमाटो का पेस्ट बना लेंगे। 10 लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं, इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, इसको भी हम डालेंगे। तो हम सबसे पहले प्याज के कट कर लेते हैं, आलू के छिलका उतार लेते हैं, फिर हम आलू दम बनाते हैं। आलू दम बनाने के लिए हम आलू के छिलका उतार लिए हैं। अब इस आलू को हम फ्राई करेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम ये इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। 2 चम्मच जीरा है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 चम्मच काली मिर्च है, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं और टमाटो का भी पेस्ट बना लेंगे जब तक आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम। तो आलू अच्छा से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। पोटैटो का भी स्मेल एकदम अच्छा आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी आलू दम बन के तैयार होगा जो कि 14 जनवरी के बनाई जाती है। तो मेरे लिए आज ही 14 जनवरी है, इसमें हम थोड़ा और तेल डाल लेते हैं। इसको नमक छिटके इसे भी खा सकते हैं। तो ये हम खड़े मसाले ले लिए हैं, गरम मसाला, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अभी कटी हुई प्याज और लहसुन के 8-10 कलियाँ हैं, जो भी हम इसमें डाल के भूज लेंगे, फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके हम आधा इसमें से निकाल लेंगे, इसका भी हम पेस्ट बना के डालेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला फूलने के लिए डाल देते हैं पानी में। हम 2 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, 1/2 kg आलू है तो हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। सब्जी मसाला में सब कुछ रहता है तो चाहिए तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि आलू दम है तो थोड़ा मसालेदार और अच्छा लगता है, तो हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इसको अभी हम फूलने देते हैं, मसाला फूल रहा है, प्याज फ्राई हो गया है। अभी हम प्याज के निकाल लेंगे। अब इसमें हम मसाला फूलने के लिए डाले थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम पेस्ट के हिसाब से नमक डाल रहे हैं, टमाटो का पेस्ट बनाए थे वो डाल देते हैं। इसको हम अच्छा से ढक के पकाएंगे मसाला को 5 मिनट तक। आलू के हम फ्राई करके रखे हैं उसको इस तरीके से इसे दोनों हाथ के मदद से इसको ऐसे दबा ले देंगे क्योंकि इससे क्या होगा, आलू में अच्छा से नमक और मसाला चल जाएगा। ऐसे भी दबा सकते हैं, देखिए इसे टूट जाना चाहिए। हाँ, इसे
छेदा हो जाएगा इसमें तो चला जाएगा इसमें नमक मसाला। फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट बनाए थे वो डाल रहे हैं इसमें हम। तो अभी हम अच्छा से और 5 मिनट पकाएंगे ढककर। आलू दम के अच्छा से मसाला पक जाएगा तो बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, कलर भी आएगा। तो अभी हम कलर से याद आया कि इसमें हम थोड़ा क्या बोलते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची डालें, तो इसमें हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो इसको ढक के अभी हम 5 मिनट और पकाएंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है मसाला का। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। तो भी हम 5 सेकंड के लिए भूज लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेट हो गया है खाना बनाने में, तो हम ठंडा पानी ही डाल रहे हैं, नहीं तो हम गर्म करके सब्जी में पानी डालते हैं। जैसा मोटा पतला ग्रेवी बनाना है वैसा आप बनाएं, और इस सब्जी को आप सादा पूरी के साथ, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा सा डालूंगी कस्तूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डालेंगे। देखिए हम खाना पका रहे हैं। पका लिया। तो इसमें हम फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं। अब इसको 1 मिनट और उबलने देंगे, उसके बाद ही मेरा आलू दम बनके रेडी है, बहुत ही सुंदर। आप लोग इस तरीके से आलू दम एक बार बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके घर में जो गेस्ट मेहमान आएंगे आपका बिना तारीफ किए हुए नहीं जाएंगे। तो ऐसे हमको तारीफ सुनना पसंद नहीं है, हम अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन आप लोग बना के खिलाइए। जिन लोगों को तारीफ सुनना पसंद है वो तारीफ सुने बना के खिला के, तारीफ का बारिश हो जाएगा, तारीफ का बरसात हो जाएगा। तुम बारिश बोलते हैं, हम बरसात बोलते, दोनों देखिए। हाँ देखिए कितना सुंदर आलू दम बन के रेडी है। कलरफुल है, कलरफुल, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, आ हा 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 हा। तो हम इसमें निकालते हैं, देखिए इतना अच्छा कलर आया है। खाली भी चम्मच से उठा के आलू दम खा सकते हैं, एकदम रेड कलर का। देखिए आलू दम लग रहा है कि मटन, इतना अच्छा कलर आया है। तो मेरा इस तरीके के आलू दम का रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।